गाइस वेलकम बैक टू द व्लॉग। भाई कई दिन पहले मैंने आप लोगों से बोला था डीवन को डीवन के बेटे से मिलवा देंगे और उसके बाद उन दोनों के रिएक्शन नोट करेंगे। सो गाइस आज फिर से अंशु घर पर आ चुका है और ये हमेशा की तरह खा ही रहा है कुछ ना कुछ। तो गाइस मैं और अंशुल दोनों जा रहे हैं कैनल पर और उसके बाद डीवन को और डीवन के बेटे को मिलवा कर देखते हैं और उसके बाद देखेंगे कि क्या होता है। अंशुल के खाने का वेट कर रहे हैं, बस जैसे ही अंशुल खा लेगा वैसे भाई निकल जाएंगे। आजा कितने रन हो गए? 14 बोल 3 ओवर हो गए। जल्दी काम निपटा लो बाबा जी। कैसा इसमें बता दे पहले, इन्हें बता पहले, ये देख लेंगे भाई। हाँ बाबा जी इसमें भी आ जाएगा। मैं तो और इधर तो मैं बोल के बताऊंगे इसमें चलेगा भी, इसमें तो लाइव चल जाएगा। इसमें है ही नहीं, गूगल वगैरह नहीं है इसमें, नहीं तो चल जाता। आप कितने देर में फ्री हो जाओगे यहाँ से? एक घंटे में, एक डेढ़ घंटे में हम वहाँ से आ रहे हैं कैनल से, फिर सारे देखेंगे मैच। ठीक है। सो गाइस आज इंडिया और किसका मैच है? साउथ अफ्रीका। इंडिया और साउथ अफ्रीका का मैच है। जल्दी से मैं और अंशुल कैनल पर होकर आ जाते हैं, उसके बाद बाबा जी के साथ मिलकर मैच देखेंगे इंडिया का। तो बाबा जी ने अपने प्लॉट में भाई मूली, शलजम और क्या क्या बो रखा है, लहसुन और गधे की पूंछ, सरसों और बैंगन का पेड़। बैंगन का पेड़ तो भाई देख लो, ये है सारी खेती। हट जाओ, ये खाद है। चलो भाई चले, चल यार चलें। चलो तो भाई कैनल पर तो पहुंच चुके हैं। अंशुल के आते सबने से पहचान लिया। तो भाई अंशुल और मैं बांध लूंगा। कहाँ गया वो डीवन का बेटा? ये रहा। तो गाइस ये है डीवन का बेटा और वो रहा डीवन। तो जल्दी करके पापा जी के आने से पहले डीवन और डीवन के बेटे को मिलवा देते हैं और देखते हैं कैसा बिहेव करेंगे वो आपस में। तो गाइस डीवन के बेटे का पट्टा तो मेरे हाथ में है और डीवन का पट्टा ये रहा। अंशुल तू बांध ले डीवन को। नहीं अंदर बांध गया, पहले अंदर बांध ले, इसे रख दे यहीं पे। इतने में डीवन के बेटे को बांध रहा हूँ। अंशुल क्या हुआ अभी? क्या हुआ ये तो बता दे भाई। कोई मन नहीं खोल लेगा, इसे खोल रहा थोड़ी देर पहले। डीवन के बेटे को मैंने पट्टा तो लगा दिया था, चेस्ट बेल्ट जो होती है ना वो तो मैंने उसे लगा दिया था। और उसके बाद जब अंशुल का नंबर आया ना डीवन को बांधने का, तो अंशुल कह रहा था कि इसे बाहर निकाल के बांधेंगे। अब अंशुल ने जैसे ही बाहर निकाला तो उस दिन की तरह भाई इनकी फिर से लड़ाई हो गई। डीवन वहां पे पहुंच गया उसके बेटे के पास और भाई बाहर से भौंका भाग चालू हो गई इनकी, पंजे बजाने लग गए जालों पे। भाई मैं और अंशुल डर गए, हमने दोबारा से डीवन अंदर बंद कर दिया और अभी हम पापा जी के आने का वेट कर रहे हैं। पापा जी आ जाएंगे और उसके बाद उनके सहारे से भाई दोनों को मिलवाने की कोशिश करेंगे, वरना तब तक तो भाई कोई प्लान है नहीं हमारा। Thank you.
ओ यार यू कैसे कूद जाए, बता इतने ऊंचे जाल से कूद जाती है, यहाँ से कूद गई अभी है। आजा बंद कर दियो अंदर को भी कूद जाएगी, पता नहीं बाहर ही कूदती है। चल अंदर, चल अंदर बंद कर दे, गेट तो खोल दे गेट। ना ना ऐसा कूदने की, अरे ये उसका है, ये खोल। भाई कैसा लगा आज डीवन को उसके बेटे को मिलवा के? भाई मिलवाने का कोई मन नहीं था उन्हें, जब उनका देखा था ना कितना एग्रेसिव है, जब खुल गया था वो। अच्छा जब स्टार्टिंग में देखा था? हाँ, जब खुल गया था वो बहुत एग्रेसिव था यार, कोई मन नहीं था। फिर जो मामा जी आए तो लगा कि अब खोल सकते हैं, मामा जी थोड़े डरते हैं ना, जो एक जो खुल जाता ना कोई सा भी खुल जाता तो यार मार के छोड़ता है दूसरे को, बहुत एग्रेसिव यार। जब स्टार्टिंग में डीवन खुल गया था ना तो वो अपने बेटे के जाल के बाहर जाकर भाई इतनी तेज तेज भोंक रहा था। मैंने और अंशुल ने सोचा कि भाई कैंसिल कर देते हैं प्लान को, कभी कुछ दिक्कत ही हो जाए, एक दूसरे को मार काट दे और भाई उसके चक्कर में हम दोनों भी भाई उनके लपेटे में आ जाए। तो इसलिए पहले तो हमने मना ही कर दिया था कि छोड़ चल रहने देते हैं। उसके बाद जब पापा जी आए तो हमारी थोड़ी सी हिम्मत बढ़ी और उसके बाद पापा जी ने भी भाई धमकाया डांटा, फिर उसके बाद डीवन को बाहर बांध दिया और उसके बेटे को मैं पकड़कर बाहर ले आया। और फिर जब भाई दोनों को एक साथ मिलाया ना तो आपने देख लिया उसके बाद जब क्या हुआ। गाइस जब मैं स्टार्टिंग में डीवन के बेटे को बांध रहा था ना बेल्ट से, ऐसा लग रहा था कि वो मेरे ऊपर अटैक ना कर दे। डीवन का बेटा ज्यादा एग्रेसिव है, उससे बहुत ज्यादा एग्रेसिव। डीवन के बेटे को जो बांध रहे थे ना भाई, ऐसा लग रहा था सच में कि वो काट लेगा, लेकिन डीवन इतना नहीं कर रहा था क्योंकि डीवन मैच्योर है। इंडिया और साउथ अफ्रीका का मैच है और मैं और अंशुल चाचा जी घर पे जा रहे हैं मैच देखने के लिए। नौ बॉल पे आठ रन चाहिए, अच्छा छह बॉल पे छह रन, एक छक्का चाहिए बस, ये रहा। पांच बॉल पे चाहिए छक्का। वेलकम टू दी नेक्स्ट मॉर्निंग, सुबह के बज रहे हैं छह और मैं भी निकल रहा हूँ जो हमारे कैनल के बिल्कुल साइड में स्टेडियम है ना रेसलिंग का, आज मैं वहां प्रैक्टिस करने की सोच रहा हूँ। तो गाइस ये तो है हमारा कैनल और भाई ये है स्टेडियम। भाई कैसी हुई प्रैक्टिस? बढ़िया जी बढ़िया, अच्छी हुई प्रैक्टिस, बहुत बढ़िया रही भैया प्रैक्टिस आज की। भैया आज तो थक गए बहुत। भैया खाओगे प्रसाद? बस खाओ। मैं आ चुका हूँ घर पे और सच में बहुत ज्यादा थक चुका हूँ, तो फिलहाल इस व्लॉग को जल्दी से एंड कर देते हैं। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। दिस इज अभिनव हून, ओवर एंड आउट।